दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने बहुत ही मजबूत स्क्वाड बनाया है और इस स्क्वाड के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग रोल हैं, बट वो सभी रोल्स के अंदर जो प्लेयर हैं वो काफ़ी डेंजरस और काफ़ी ज़्यादा फॉर्म के अंदर हैं। और दोस्तों आप सभी को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि लंबे अरसे से टीम केकेआर की जो पावरफुल परफॉर्मेंस है वो है उनके यहाँ पर बॉलिंग। हालांकि दोस्तों मिडिल ऑर्डर या फिर टॉप ऑर्डर काफ़ी उनका मजबूत रहा है, बट स्टिल दोस्तों हम सबको ये चीज़ तो गौरतलब करनी पड़ेगी और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते कि टीम केकेआर की बॉलिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है। अगर टीम केकेआर अच्छी परफॉर्मेंस करती है तो उसमें बॉलिंग का हाथ होता है, बुरी परफॉर्मेंस करती है तो कहीं ना कहीं बॉलिंग का हाथ भी होता है। तो यार अगर आप सभी से बात करें तो टीम केकेआर के बेस्ट पेसर्स इस सीजन कौन से होने वाले हैं? काफ़ी सारा अच्छा बॉलिंग अटैक टीम केकेआर के पास है, बट एक अच्छा खासा पेस अटैक भी टीम केकेआर के पास है। तो कुल मिलाकर दोस्तों एटलीस्ट 6 मीडियम पेसर टीम केकेआर के पास हैं। अब दोस्तों कौन कौन से हैं ये 6 पेसर्स? वेंकटेश अय्यर, उमेश यादव, शार्दुल ठाकुर, टिम साउथी, कुलवंत खेजरोलिया और फर्गसन यानी लॉकी फर्गसन। तो यार दोस्तों ये तो हो गए सभी के सभी खिलाड़ी, बट अब यहाँ पर प्लेइंग 11 के अंदर कौन कौन से खिलाड़ी जगह बना पाएंगे और इनका क्या रोल है और क्यों यहाँ पर दोस्तों ये काफ़ी एक्सपीरियंस साइड है पेसिंग के अंदर? तो बात करें यहाँ पर दोस्तों टीम केकेआर के पास बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं जो इनका नंबर एक बेनिफिट बन जाता है। साथ ही साथ काफ़ी सारे जो ऑलराउंडर्स हैं डोमेस्टिक के साथ साथ कुछ खिलाड़ियों को इंटरनेशनल का भी यहाँ पर काफ़ी अनुभव है। खासतौर पर ये पेस अटैक के अंदर भी दोस्तों काफ़ी यहाँ पर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हमें देखने को मिल रहा है। टिम साउथी यहाँ पर कप्तानी करते हैं न्यूजीलैंड की, इसके अलावा फर्गसन है उनको एक्सपीरियंस है, उमेश यादव को एक्सपीरियंस है, कुछ मुकाबले वेंकटेश अय्यर भी खेले हैं, शार्दुल ठाकुर तो लॉर्ड मैजिशियन है तो उनको तो एक्सपीरियंस है ही। तो यार दोस्तों प्लेइंग 11 के अंदर 4 पेसर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वेंकटेश अय्यर मीडियम पेसर है या फिर इनको आप मीडियम फास्ट भी कह सकते हो, लॉकी फर्गसन फास्ट बॉलर है, साथ ही साथ उमेश और शार्दुल हैं। तो ये हमारे टॉप 4 पिक हैं जो इस बार के लिए टॉप MVP लिस्ट में रहेंगे टीम के केयर के लिए टॉप पेसर्स की तरफ से। आप कमेंट करके जरूर बताओ आपके अकॉर्डिंग बेस्ट बॉलिंग पेसर कौन रहेगा केकेआर का। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।